ओके सो लाइक आई वाज सेइंग दैट माइनर का पोजीशन इन पार्टनरशिप सॉरी इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है. माइनर का पोजीशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं चार पॉइंट अभी तक बोला. माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है और इसका बहुत एक इंपॉर्टेंट केस लॉ हम लोग पढ़े थे. केस लॉ का नाम था मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष. और माइनर एनी एग्रीमेंट विद अ माइनर में अगर माइनर का उम्र मेजर हो जाता है एग्रीमेंट के दौरान तो क्या ये रेटिफाई हो सकता है. नहीं, नो रेटिफिकेशन इवन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. एंड इसके बाद दो और पॉइंट हम लोग पढ़े कि माइनर को बेनिफिट्स दिया जा सकता है. जैसे कि हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे एक माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है फुल फ्लेजेड पार्टनर ना भी बने तो. और चौथा अभी पढ़े माइनर विल ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. वो हमेशा पकड़ा गया तो क्या बोलेगा कि मैं तो बच्चा हूँ. ठीक है ना. तो ये चार पॉइंट्स हम लोग पढ़े थे. ओके ऑल राइट. ओके नाउ देखो अभी कोई एनोटेट किया और अगर पकड़ा जाता तो बोलता मैं तो बच्चा हूँ सर. ठीक है. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. ओके नाउ लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज. ये क्या है सर. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. मैं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ाया था. मैं बोला था इससे बहुत कुछ लॉ का समझ में आता है. तीन चार पॉइंट लिखाया था शायद क्लास में. ठीक है. मैं माइनर को कोई अगर नेसेसरीज प्रोवाइड करे तो नेसेसरीज शब्द का मतलब समझाया था. माइनर का मतलब आप लोग को आता है. तो माइनर को कोई अगर नेसेसरीज प्रोवाइड करे. नेसेसरीज हो गया एजुकेशन रोटी कपड़ा मकान एक्सेट्रा. सर ड्रग्स क्या नेसेसरीज है. इकोनॉमिक्स में हो सकता है लॉ में नहीं. ठीक है. तो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा ये सब है जरूरतें और ये नेसेसिटीज माना जा रहा है लॉ में. नेसेसरीज नॉट सिटीज आई एम सॉरी. नेसेसरीज अगर माइनर को कोई प्रोवाइड करे और माइनर के पास जायदाद माइनर को मिला है बेनिफिशियरी तो बन सकते हैं. लेट्स से पेरेंट्स से पुरखों से कुछ जायदाद मिला है उसको तो वो जायदाद का जो पूंजी है माइनर के पास वो पूंजी से नेसेसरीज जिसने प्रोवाइड किया है लॉ बोल रहा है उसको मिलना चाहिए. ठीक है. तो ये तो जस्ट बात है. तो लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज माइनर्स एस्टेट विल बी लायबल फॉर द नेसेसरीज प्रोवाइडेड टू हिम. माइनर्स एस्टेट माइंड यू माइनर पर्सनली नहीं. यानी कि माइनर पर्सनली अगर लायबल होता तो तुम माइनर को बोल सकते थे तुम मेहनत करके दो साल मेरा काम करके पैसा वापस दे. नहीं, कानून ये नहीं बोला. कानून बोला माइनर को आप लायबल हम लोग लायबल नहीं कर रहे. कानून बोल रहा है कि माइनर का अगर कोई जायदाद है तो वो जायदाद लायबल है. माइनर एस्टेट इज लायबल. समझ में आया. माइनर का एस्टेट जायदाद अगर 20 लाख का है कोई अगर उसको 10 लाख का पढ़ाई का खर्चा दिया तो 20 लाख में से 10 लाख उनको मिल जाएगा. बट माइनर का एस्टेट में अगर 5 लाख है और 10 लाख का पढ़ाई का खर्चा हुआ तो उस व्यक्ति को 5 ही लाख मिलेगा. बाकी 5 लाख के लिए वो ये नहीं बोलेगा माइनर मेरे पास नौकरी कर. ठीक है. तो ये है फंडा. ओके सर. सर ये बहुत अच्छा पॉइंट था. हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट था. इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में वापस पढ़ाया गया है. ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है. फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन मैं बोला था शुरू में आज भी बोला कि माइनर खुद से एग्रीमेंट में एंटर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका कैपेसिटी नहीं है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अ माइनर विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो. तो माइनर के बदले कभी कभार ये जो चाइल्ड आर्टिस्ट देखते हो सीरियल्स में मूवीज में ये सबका कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करता है. गार्जियन. गार्जियन इज लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द माइनर एजेंट ऑफ द माइनर एंड नहीं ऋषि आपका आंसर है नो आपका क्वेश्चन का. एनीवे सो द आइडिया इज माइनर जब गार्जियन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या गार्जियन लायबल होगा या माइनर. गार्जियन लायबल नहीं होगा. माइनर ही लायबल होगा. बट माइनर का लायबिलिटी तो है ही नहीं. मजा है ये कानून का. ठीक है ना. अच्छा सर नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब
माइनर कैन ओनली बी अ बेनिफिशियरी. माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दे, कॉन्ट्रैक्ट में उसका जो परफॉर्म करना है, तो तुम उसको कान पकड़ के करा नहीं पाओगे. कोर्ट ऑर्डर नहीं देगा, बोलेगा कि माइनर को काम करना ही है, क्योंकि माइनर तो बच्चा है. ठीक है, नो इंसॉल्वेंसी. माइनर को इंसॉल्वेंसी भी तुम इंसॉल्वेंट नहीं बोल पाओगे. इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवाला निकल जाना, दिवाला नॉट दिवाली. ठीक है, किसी का दिवाला हो जाना, कोई अगर दिवाला हो जाता है, मतलब उसका जब लाइबिलिटीज एसेट से बड़ा हो जाता है, तब एक आदमी को इंसॉल्वेंट कहा जाता है. ठीक है, पार्टनरशिप. मैं पार्टनरशिप लेके बात पार्टनरशिप एक्ट में भी किया हूँ और अभी भी बोला था, माइनर फुल फ्लेज्ड पार्टनर बन नहीं सकेगा, बट बेनिफिट्स ऑफ द फर्म या बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप उसको मिल सकते हैं. ठीक है, बेनिफिशियरी हमेशा हो सकते हैं. माइनर कैन बी एजेंट. हाँ, एजेंसी लॉ बोलता है कि एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है. एजेंट प्रिंसिपल का आदमी है. जो भी एजेंट करेगा प्रिंसिपल के बिहाफ में, कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल. तो फिर माइनर क्या एजेंट बन सकता है? हाँ, माइनर एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंट का पर्सनल कोई लायबिलिटी होता ही नहीं. इसीलिए तो गार्जियन, जब माइनर का एजेंट था, गार्जियन का पर्सनल लायबिलिटी नहीं हो पाएगा. ठीक है, ओके. माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन. यानी कि माइनर दुकान गया और दुकान जाके बोला, मेरा बापूजी का नाम पे मेरे को पैसा दो. दुकानदार अगर दे दिया, दुकानदार अगर पैसा दे दिया, बाद में अगर माइनर कुछ पैसा वापस नहीं कर पाया, तो दुकानदार माइनर पे सू नहीं कर पाएगा, और दुकानदार बापूजी को भी सू नहीं कर पाएगा, अगर बापूजी कहा मैं तो कहा ही नहीं था. ठीक है, यानी कि माइनर कैनॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन. नहीं तो हर माइनर ये करेगा और हर गार्जियन फंस जाएगा. क्लियर है? इसलिए माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ही कानून बोल दिया अवॉइड है. ठीक है, ओके. चलो अब जल्दी से लास्ट तीन चार पॉइंट है. जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर एंड एडल्ट, ये क्या है सर? एडल्ट और माइनर मिलके अगर जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर क्या होगा? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को तुम मानोगे कि मेजर के साथ हुआ है. मतलब मेजर माइनर मिलके और एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मेजर माइनर और एक मेजर, तो माना जाएगा मेजर एंड मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. क्लियर है? तो देखो इसमें एक केस भी है. ये केस क्या है सर? केस सेनदास वर्सेस रामचंद, सेनदास वर्सेस रामचंद वाला केस. देखो, वेयर देयर वाज अ जॉइंट परचेज बाय टू परचेजर, वन ऑफ देम मेजर, द अदर वाज माइनर. इट वाज हेल्ड, मतलब कोर्ट ने कहा है दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द मेजर परचेजर एंड नॉट द माइनर. मतलब तुम एनफोर्स अगर करोगे, तुम केस अगर करोगे, तो मेजर वाला कॉन्ट्रैक्ट या मेजर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अलग करके देखो और माइनर को अलग करके देखो. तो मेजर वाला को जब अलग करके देखोगे, मेजर के ऊपर तुम केस कर पाओगे. क्लियर है? श्योरिटी ऑफ, श्योरिटी का मतलब लिख के रखो, गारंटी. श्योरिटी का मतलब, ये जो पॉइंट नंबर 13 है दिख रहा है ना, श्योरिटी के मतलब मीनिंग लिखो गारंटी. तो गारंटी फॉर अ माइनर. अच्छा, बहुत आसान चीज है. कोई अगर माइनर के लिए गारंटी दे, उसका गार्जियन हो सकता है, भाई हो सकता है, बंधु हो सकता है. ठीक है, कोई अगर माइनर के लिए गारंटी दे, यानी कि बोल रहा है कि व्हेन एन एडल्ट स्टैंड्स और अ मेजर स्टैंड श्योरिटी फॉर अ माइनर, देन मेजर लायबल हो जाएगा. मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ, ये बच्चा अगर 10 लाख रुपया आपसे ले रहे और कल अगर 10 लाख रुपया नहीं वापस देता है, तो मैं वापस दूंगा, तो आप मेरे ऊपर केस कर पाओगे? हाँ, अगर बच्चा ने पैसा वापस ना दिए तो मेरे ऊपर केस हो सकता है, मेरे को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गारंटी दिया था थर्ड पार्टी को. ठीक है, तब मेरा और थर्ड पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, भले ही मैं माइनर के लिए गारंटी दिया, बट ये सही है क्योंकि मैं भी मेजर हूं और वो भी मेजर है. क्लियर है? तो ये है फंडा. ठीक है, अच्छा सर, माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर क्या कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? हाँ, बट माइनर अगर शेयर इशू कर रहा है कंपनी, तो माइनर शेयर अलॉटमेंट के लिए डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो. बट माइनर को पेरेंट से ट्रांसफर हो गया शेयर्स, हो सकता है ना, पेरेंट्स मर गया, माइनर को शेयर्स मिला पेरेंट्स का. ठीक है ना,
तब क्या उसको बेनिफिशियरी माना जाएगा? तब मानना चाहिए, कानून तो इसीलिए वो क्लॉज रखा कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, बेनिफिट्स उसको मिलेगा। बट अगर शेयर कैपिटल अनपेड है, अनपेड है तो वो लायबल नहीं होगा क्योंकि माइनर कैन नॉट हैव अ लायबिलिटी। समझ में आया? तो ये है फंडा, ये है फंडा। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट का मतलब है सिविल रॉन्ग। सर लिख के रखूं? हाँ लिख के रख सकते हो। देखो बुक में थ्योरी पढ़ने का एक तरकीब बता रहा हूं, थ्योरी पढ़ने का एक तरकीब ये है कि बुक में, किताब में जो भी चीज हटके है, थोड़ा हटके है, उसको हाथ से लिख के रख दीजिए। हाथ से लिख के रखने का फायदा क्या है कि बुक खोलते ही वो चीज आपको पहले दिखेगा और वो भी हटके दिखेगा, और वो बार बार देख के ना वो चीज आपका जहन में घुस जाएगा, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। आप मतलब नींद से जाके बोलोगे टॉट सिविल रॉन्ग, माइनर वॉइड एब इनिशियो, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, ऐसा बोलने लगोगे और चारों ओर जो रहेगा घर वाले वो लोग बोलेगा क्या हो गया मेरे बच्चे को, बोलेगा मेरा क्लासेस कर रहे हो तो ऐसा बन गए। ठीक है, ओके। नाउ लायबिलिटी फॉर टॉट्स, लायबिलिटी फॉर टॉट्स, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। देखो सिविल रॉन्ग, सुने हो ना ये शब्द सिविल, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। अच्छा सर आपको कौन सा लॉ पता है? सिविल लॉ ही पता है बेटा, सीए हूँ, सीएस हूँ। सो सीएस से कमर्शियल और ये सिविल लॉज बहुत रहता है। बट सर लॉयर जितना सिविल लॉ पता है आपको? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। बट जो इन डेप्थ हम लोग को कॉर्पोरेट लॉ का ज्ञान मिलता है, कंपनीज एक्ट ये सब का, तो लॉ का बाकी लॉ का भी आइडिया हो जाता है, और बाकी ये सब लॉ भी थोड़ा सिविल लॉ जैसा है। तो टॉट क्या है सर? सिविल रॉन्ग है, सिविल गलती। अ माइनर इज लायबल फॉर टॉट, हाँ माइनर, माइनर विल बी हेल्ड लायबल फॉर टॉट्स, वही बोला जा रहा है। अ माइनर इज लायबल इन टॉट्स अनलेस द टॉट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, ये भी एक गलती है, ये गलती के लिए माइनर को सजा नहीं मिलेगा। बट बाकी टॉट्स, बाकी सिविल गलती के लिए क्या माइनर को सजा मिल सकते हैं? हाँ, इसीलिए जुवेनाइल कोर्ट है ना, सुने हो ना जुवेनाइल, बच्चों का कोर्ट। इसीलिए तो हमेशा मत सोचना आई कैन प्लीड माइनॉरिटी, अगर तुम माइनर हो तो हमेशा मत सोचना यू कैन प्लीड माइनॉरिटी एंड तुमको रिहा मिल जाएगा, नहीं। ठीक है, सिविल रॉन्ग के लिए, सिविल गलती के लिए माइनर को सजा मिलेगा। ठीक है, तो देखो दस बैर माइनर बोर्ड अ हॉर्स फॉर राइडिंग एंड ही इज हेल्ड लायबल व्हेन ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु जंप्ड एंड किल्ड द हॉर्स। सिमिलरली अ माइनर वाज हेल्ड लायबल फॉर फेलियर टू रिटर्न सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच ही हैड हायर्ड एंड देन पास्ड ऑन टू अ फ्रेंड। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉ है उसी तक सीमित है माइनर का लायबिलिटी ना होना, अदरवाइज सिविल रॉन्ग के लिए माइनर को दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, ओके। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? पर्सन ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यानी कि जिनका मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक हालत, ठीक है ना, ओके। तो सर साउंड माइंड वाला आदमी अगर अनसाउंड माइंड बन जाता है, और अनसाउंड माइंड वाला आदमी अगर कभी कभार साउंड माइंड बन जाता है तब क्या होगा? देखो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा एक व्यक्ति साउंड माइंड में है या अनसाउंड माइंड में है, यही है इसका उत्तर। और ये देखने का कोई क्या मेजर है, कैलकुलेटर है, वेइंग मशीन है? नहीं, ये साबित करना पड़ता है। कोई अगर चैलेंज किया तभी साबित करना पड़ेगा, और कोर्ट समझेगा, फैसला कोर्ट करेगा सबूत देख के, इसका कोई किताबी आंसर नहीं। ओके सर, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्क्वालिफाइड पर्संस, ऑफ कोर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन क्या हो जाएगा? वॉइड। ओके, फ्री कंसेंट, मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट मतलब मेरा जो सहमति है वो फ्रीली आया है, फोर्स के साथ नहीं आया है। ठीक है ना, पांच चीज मैं बोला था पांडव के तरह, पांच भाई है ये, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। ये पांच अगर चीज कोई कॉन्ट्रैक्ट बनने में था या रहा है
तो फिर ये पांच में से पहला चार यानी कि कोएशन अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन CUFM दिस फर्स्ट फाइव सॉरी फर्स्ट फोर से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग स्ट्रेट अवे बोल देंगे वॉयडेबल वॉयडेबल और वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ये वॉयड भी हो सकता है और वैलिड भी रह सकता है तुम्हारे ऊपर है जिसके साथ जिसका फ्री कंसेंट नहीं आया उसके ऊपर है वो तय करेगा जिसके साथ कोएशन हुआ है अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है फ्रॉड हुआ है या मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है वो तय करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखे या वॉयड मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ना वैलिड है ना वॉयड है वॉयडेबल है वॉयड किया जा सकता है और कौन कर सकता है दोनों पार्टी दोनों में से कोई भी एक पार्टी या फिर सिर्फ एक पार्टी जिसके ऊपर हुआ है इतना ही आसान है सर कोएशन का मतलब मैं बोला था डेफिनेशन पढ़ाया था डेफिनेशन का टू पार्ट्स था एक एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ कौन सा लॉ वो भी बोल दिया था ठीक है और दो ब्लैकमेल करना सर ब्लैकमेल करना ऐसे मत बोलिए इंग्लिश में बोलिए हाँ जब कोई कब्जा करके रख दिया है तुम्हारा सामान और तुमको बोल रहा है कि ये तभी मिलेगा जब तुम ये करोगे तो इंडियन पेनल कोड का कोई भी फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड कोई भी चीज अगर तुम कर रहे हो या करने का धमकी दे रहे हो कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट तो फिर वो कोएर्शन है या फिर तुम किसी को बोल रहे हो तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरे पास है तुमको तभी मिलेगा जब तुम ये करोगे डिटेनिंग अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है तो ये सारा डेफिनेशन था कोएर्शन का कोएर्शन से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइडेबल अच्छा सर कोएर्शन में किसको साबित करना पड़ेगा कि कोएर्शन हुआ है कौन देगा सबूत जिसके साथ कोएर्शन हुआ है उसको साबित करना पड़ेगा विक्टिम ओके एंड अंड्यू इन्फ्लुएंस क्या है अंड्यू इन्फ्लुएंस हो गया एक ऐसा चीज जहां पे आपका दिमाग को कोई वश में कर ले रहे हैं कैसे सर जिसका तुम्हारा जीवन में एक स्टेज है इम्पेटस है एक स्टेटस है एक से है वैसा व्यक्ति जो तुम्हारा बहुत क्लोज है वैसा आदमी ही तुम्हारे ऊपर अंड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं यानी कि उसका तुम्हारे ऊपर एक पोजीशन है टू डोमिनेट योर विल तुम्हारा इच्छे को डोमिनेट करने के लिए उसके उसके पास एक जगह है स्टेज है ठीक है ना और यही चीज हम लोग पढ़े थे कि अंड्यू इन्फ्लुएंस का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है रिलेशन बिटवीन द पार्टीज क्लोज होना चाहिए पोजीशन टू डोमिनेट द विल रहना चाहिए ये पोजीशन तीन तरह से क्रिएट हो सकता है याद है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी मेंटल डिस्टेंस एंड फिड्यूशियरी रिलेशन एंड अनकॉन्शियनेबल बार्गेन अनकॉन्शियनेबल का मतलब लिख के रखो अनरीजनेबल अनकॉन्शियनेबल मीन्स अनरीजनेबल ठीक है और चौथा सॉरी तीसरा द ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू टेक अंड्यू एडवांटेज ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अंड्यू इन्फ्लुएंस वाला कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिश्ता क्लोज का होना चाहिए तभी अंड्यू इन्फ्लुएंस तुम बोल पाओगे दूर का कोई व्यक्ति का हम लोग बात सुनते हैं नहीं ठीक है जिस व्यक्ति के ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो अंड्यू इन्फ्लुएंस का उसका तुम्हारा डोमिनेट विल को डोमिनेट करने का एक जगह होना चाहिए और वो जगह चार तरीके से क्रिएट हो सकता है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी मैं एग्जांपल दिया था मास्टर सर्वेंट फिड्यूशियरी रिलेशन सन एंड फादर फिड्यूशियरी मतलब म्यूचुअल क्लोज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिश्ता एंड मेंटल डिस्ट्रेस ठीक है नर्स एंड पेशेंट एंड लास्टली अनकॉन्शियनेबल बार्गेन्स बैंक एक ऐसा रिमोट जगह में है जहां पे कोई मनी लेंडर है ही नहीं तो बैंक मांग रहा है 100% इंटरेस्ट तब तो गलत है अनरीजनेबल है बार्गेन कर लिया मैं बैंक तो अनरीजनेबल बार्गेन यहाँ पे भी अंड्यू इन्फ्लुएंस माना जा रहा है क्लियर है तो ये सारा है और तीसरा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अंड्यू इन्फ्लुएंस के लिए रहना चाहिए वो है इरादा ऑब्जेक्ट इरादा मस्ट बी देयर टू टेक अंड्यू एडवांटेज तुम्हारा इरादा ही नहीं है अंड्यू एडवांटेज लेने का तो तुम क्लोज रिश्ते में हो और तुम्हारा एक पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अंड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा बिकॉज
तुम्हारा इरादा रहना चाहिए, ठीक है ना? ओके और लास्टली बर्डन ऑफ प्रूफ, यहां पे कौन साबित करेगा कि अंडू इन्फ्लुएंस हुआ है? जो पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया है, जिसने आरोप लगाया उसने नहीं। इन केस ऑफ क्वेश्चन जिसने आरोप लगाया उसको प्रूफ करना पड़ेगा, अंडू इन्फ्लुएंस में उल्टा है। ओके ऑल राइट, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से क्लास में हुआ था। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन का फर्क क्या है? फ्रॉड का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, और मेरे को पता रहने के बावजूद भी मैं झूठ बोल रहा हूं, इसको बोला जा रहा है फ्रॉड। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में मेरे को पता नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूं, बट मैं झूठ बोल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यही सच है। तब तो मेरा इरादा किसमें सही है किसमें गलत है? सेकेंड में मेरा इरादा सही है, बट मैं चीज गलत कर दे रहा हूं, मिसरिप्रेजेंटेशन। और पहला वाला केस पे तो मेरा इरादा भी गलत है, मैं चीज भी गलत कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये है फंडा बिटवीन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। दोनों केस में जिस पार्टी के साथ हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा उसका ऑप्शन में, ठीक है। मियर साइलेंस क्या फ्रॉड है? मेरे को एक सवाल पूछा जा रहा है, मैं साइलेंट हूं, क्या फ्रॉड है? हाँ, दो केस में फ्रॉड हो सकता है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं। क्या? जहां पे मेरा ये ड्यूटी है, मेरा फर्ज है बोलने का, वहां पे मैं चुप हो तो वहां पे साइलेंस भी फ्रॉड है। और दूसरा, जहां पे तुम्हारा मेरा साइलेंस स्पीच के बराबर हो गया, जैसे सर क्या ये घोड़ा पागल है, मैं चुप हूं, बट घोड़ा पागल है मेरे को मालूम है, मैं कुछ बोला नहीं, वो खरीद लिया अगला और अगला गिर के गया, ठीक है। तो ये है फंडा, यहाँ पे मेरे को बोलना चाहिए था, यहाँ पे मेरा साइलेंस को हाँ माना जा रहा है या ना माना जा रहा है। जहां पे मियर साइलेंस इज इटसेल्फ अ स्पीच, देयर इट विल बी अ फ्रॉड इफ आई एम साइलेंट, ठीक है। सर पहला वाला केस क्या था, एक्सेप्शन मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड का, मैं बोला ना जहां पे तुम्हारा ड्यूटी है, फर्ज है बोलने का, क्या क्या जगह में फर्ज है बोलने का, वो बोल दिया ए से ई, ठीक है। क्या क्या जगह में फर्ज है बोलने का, फिड्यूशियरी रिलेशन, जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एजेंट, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, जब मियां बीबी का शादी होता है तब एक दूसरे को हर चीज बताना चाहिए, पहले जमाने में होता था। जो क्या नाम है, जो ग्रूम है, ग्रूम का उम्र है 80 साल, ग्रूम बोला ही नहीं, शादी के बाद पता चला, ये सब धोखा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट यहाँ पे भी हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को बोलना चाहिए। तो ये सारा एग्जांपल्स है। ओके तो सर मिसरिप्रेजेंटेशन मैं कर लिया था क्लास में और अभी समझा दिया वापस। सर अगर मिस्टेक हो, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पांचवा चीज, मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, इसलिए मैं वॉइडेबल नहीं बोला, ठीक है। मिस्टेक से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल भी हो सकता है, इसलिए मैं वो नहीं बोला, ठीक है। तो मिस्टेक का कैटेगरीज है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल मिस्टेक हो सकता है या यूनिलैटरल हो सकता है। यूनिलैटरल अगर है तो फिर क्या होगा, बायलैटरल अगर होगा तो क्या होगा? मैं बहुत अच्छे से बोला था कि बायलैटरल मिस्टेक तो वॉइड हो जाएगा, दोनों पार्टी का गलती है तो कोई एक को वॉइडेबल नहीं किया जाएगा, बट यूनिलैटरल होगा तो देखा जाएगा, तो फिर वॉइडेबल रहना चाहिए, ठीक है। बट यूनिलैटरल में भी तीन तीन केसेस है जहां पे अपने क्या हो रहा है, वॉइडेबल हो रहा है। ओके तो सर ये सारा होने के बाद ये चैप्टर में क्या टर्न आ रहा है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हम लोग देखे हैं, और ये पांच केसेस या छह केसेस, ठीक है, करने के बाद जो लास्ट केस में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ व्हेन व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी अनलॉफुल व्हेन इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब कब होगा ये बोला गया है,
जैसे कि ट्रेडिंग विथ एनिमी, एनिमिनेशन में पढ़ाया था, स्टेफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है, ट्रैफिकिंग रिलेशन टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, ठीक है, घूस देना, अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, बहुत गलत चीज है, मोनोपोली या कार्टेल बना के क्या होगा, सोसाइटी में हम लोग का चीजें और महंगा हो जाएगा, ठीक है ना, मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट, मैं बोला था ये मैरिज रिश्ता बनाने वाला वो नहीं है, मैच मेकिंग नहीं है, मैरिज ब्रोकरेज मतलब किसी का फोर्सफुली शादी करा देना, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, इससे भी दो तीन पॉइंट ज्यादा पढ़ाया गया था, कोई इशू नहीं है, void agreements, expressly void agreements का मतलब होता है जो agreements को पहले से बोल दिया गया है ये void है, ठीक है, तो ये expressly void agreements क्या क्या है वो भी बोला गया है, agreement in restraint of marriage, ठीक है ना, agreement in restraint of trade, फिर agreement in restraint of legal proceedings, ठीक है, and agreement meaning of which is uncertain, wagering agreements जुआ, जुआ एग्जाम्पल है वेजरिंग का, सट्टा, ठीक है, और फिर ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर क्या क्या है, लॉटरी ट्रांजैक्शंस है, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशंस है, तो क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन में तो सर स्किल है, तो क्या ये इसमें, हाँ, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशंस लेके मेरे को ये बताना है, क्रॉसवर्ड का आंसर बहुत सारा हो सकता है, अगर मैं आंसर पहले से सोल्यूशन प्रिपेयर करके रख दिया तब वही आंसर मिलने से तुमको प्राइज मिलेगा, बहुत में से वही आंसर होने से, तो वो तो लक का मैटर हो गया, तब वो वेजरिंग हो गया, ठीक है, बट अगर क्रॉसवर्ड पजल्स इन विच प्राइजेस डोंट डिपेंड ऑन द प्री प्रिंटेड सोल्यूशन और प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन, then it's not a lottery, then तो कोई भी answer से answer सही होगा तो तुमको marks मिलेगा या prize मिलेगा, तब वो skill हो जाएगा, तो जहाँ पे luck predominant factor play करता है वहाँ पे it's like lottery and it's like wager and it's like void, but where luck does not play a predominant factor but your skill does, there it will be valid, ठीक है, तो यही बोला गया है, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन लेके, ये एक्स्ट्रा पोर्शन था, क्लास में इतना अच्छे से नहीं था, लॉटरी ट्रांजैक्शन तो ऑफ कोर्स वॉइड ही होगा, ठीक है, लॉटरी लेके क्लास में बहुत अच्छे से मैं बोला, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस भी बोला, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शंस मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, लिख लेना, बुक में भी लिखा है, हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन 500 वेजर है, ठीक है, ओके, तो सर, और ट्रांजैक्शंस रिजेम्बलिंग वेजरिंग, मतलब रिजेम्बलिंग का मतलब वैसा दिखता है, चिट फंड, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये सब वेजर्स नहीं है, ठीक है, गेम ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन लग सकता है, बट स्किल ही प्रीडोमिनेंट है, ओलंपिक चल रहे, कौन जीतेगा, ठीक है, तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑफकोर्स, ठीक है, इंश्योरेंस में हो भी सकता है इवेंट अनहोनी, नहीं भी हो सकता है, तो क्या इंश्योरेंस क्या फटका हो गया या वो हो गया वेजर, नहीं, पहले तो यही बोला गया, ओके सर, ये बोल के ये चैप्टर खत्म होता है, ये यूनिट, सर लास्ट दो यूनिट क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए, हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन नहीं है मेरा बोलने लायक, और ब्रीच में भी नहीं है मेरा बोलने लायक, और कंटिंजेंट एंड क्वासी में भी नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ खोल के, बहुत स्मूथ है, जैसा जैसा बुक में मतलब यहाँ पे है वैसा वैसा क्लास में मिलेगा आप लोगों को, ब्रीच दो तरह का हो सकता है, एक्चुअल या एंटिसिपेटरी, ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन जस्ट अ मोमेंट, या परफॉर्मेंस भी एक्चुअल हो सकता है, ठीक है, या ऑफर टू परफॉर्म या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो सकता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज आल्सो एज गुड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस बोला था,
फिर ये चैप्टर में देयर इज नथिंग व्हिच इज न्यू. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू गो थ्रू द क्लासेस एंड गेट बैक टू मी विथ योर क्वेरीज ऑन दीज थ्री यूनिट्स. ठीक है, इसमें हर चीज पढ़ाया गया है वैसे ही जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको किताब में. देयर इज नो एक्स्ट्रा पोर्शन ऑल्सो. ओके, ऑल राइट. ब्रीच में भी इट्स द सेम. एंड द लास्ट चैप्टर विच इज कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया गया है. इट्स जस्ट द सेम एज आई हैव टॉट इन क्लास एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो. सो आई डोंट थिंक देर विल बी एनी ट्रबल फॉर एक्स्ट्रा पोर्शन. सो आई हैव डन द समराइजेशन एंड द एक्स्ट्रा पोर्शंस. नाउ टेल मी, पास्ट पेपर्स आज नहीं हो पाएगा ड्यू टू टाइम वैलिडिटी. पास्ट पेपर्स हम लोग करेंगे इवेंचुअली, मे बी नेक्स्ट क्लास आई विल टॉक अबाउट पास्ट पेपर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बाकी सब कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब तक हो जाएगा, आज सिर्फ चार जन का हुआ. ठीक है, नेक्स्ट क्लास वी विल डिवोट टू पास्ट पेपर्स एंड ओवरऑल डाउट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड ऑल्सो आई विल टच अपॉन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, बट मेरे को जल्दी से बताइए आप लोग का आज का डाउट्स. इज देयर एनी डाउट, प्लीज चैट एंड लेट मी नो चैट में. Guys, anyone having any doubt, please, you can speak also. I am unmuting you. You can unmute yourself and speak. I have given the opportunity. Yeah, Dheeraj, go on. Anyone? Any doubt? बात तो कीजिए, इतना दिन बाद मौका मिल रहा है सबको इंटरैक्ट करने का. वीडियो में देखते रहते हो, मैं बोलता रहता हूँ, तुम लोग से बात नहीं कर पाता हूँ. वेरी गुड. सिद्धि अग्रवाल हैज अ क्वेरी. आई एम रीडिंग द क्वेरी. आप लोग एवरी वन कोई क्वेरी कर सकते हो तो सब लोग भी देख पाएगा, कोई इशू नहीं है. सर, डू यू हैव एनी सजेशंस ऑन हाउ टू रीड और स्टडी लॉ आफ्टर वॉचिंग द क्लासेस. देखो, क्लास रियल क्लास जैसे करते हो, उसके बाद घर में जो पैतरा अपनाते हो पढ़ाई करने के लिए, सेम ये होगा. यहाँ पे खाली रियल क्लास के बदले तुम वीडियो में देख लिए, घर में बैठ के कॉपी लेके बैठे, जो मैं कॉपी कराया वही कॉपी किए. हाँ, एक हो सकता है कि वो बुक और ये बुक, तुम लोग ये बुक फॉलो करो, इंस्टीट्यूट वाला मटीरियल फॉलो करो. मैं बोल रहा हूँ दोनों में राइटअप सेम ही है, क्योंकि लॉ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन का इधर उधर है थोड़ा बहुत, और वो भी कुछ कुछ जगह में तुम लोग देखे होंगे. ठीक है, तो जो भी हो, तो पॉइंट्स किसी में बढ़ गया, पॉइंट्स किसी में घट गया, बट पॉइंट सेम ही है ऑलमोस्ट. ओके, सो द फंडा इज, तुम लोग क्लास में जो टॉपिक कराया जा रहा है वो टॉपिक करने के बाद घर में ना बुक से आराम से वो टॉपिक्स कर लो, और बुक से करने के बाद बुक्स का जो सवाल जवाब है वो सवाल जवाब देखो, और खुद से ना लिख के प्रैक्टिस करने का कोशिश करो सवाल का जवाब. तब जाके तुम्हारा एक बार प्रैक्टिस होगा और दिमाग में मतलब घुस जाएगा, जाके नेक्स्ट बार जब पढ़ोगे पूरा एकदम मेरे तरह बोलने लगो लॉ. ठीक है, ओके. सर, सेलिंग वाइन विदाउट लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इन अ वे, बट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट में जो एक्सप्रेसली दिया हुआ है वही सारा पॉइंट है. ठीक है, इन अ वे दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ बिकॉज This is तुम्हारा why? Because ये forbidden by law है, तो forbidden by law ही तो point number one था. Agreement which is illegal, why? Because it is for the object is forbidden by law. That is why. ठीक है? Okay. All right. So that's all I believe. Thanks for attending today's session. हम लोग next कब मिलेंगे? अगला Wednesday या उसके बाद वाला Wednesday में? टेलीग्राम में लिख दूंगा. अच्छा, उसके पहले जाने से पहले और एक सवाल आ गया ऋषि का, मैं एक बार बोल दूं. ऋषि इज आस्किंग के बीसीआर कितना इंटरवल्स में देखे, हफ्ते में एक क्लास देख लो.
तो सर 10 हफ्ता लग जाएगा। हाँ, हफ्ते में एक क्लास भी अगर कर रहे हो, एक क्लास में एक चैप्टर कवर्ड है ऑलमोस्ट, तो तुम्हारा 13 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से BCR में, तो 13 हफ्ता लग जाएगा। एंड 13 हफ्ता मतलब इट्स ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। तो हफ्ते में एक दो देखते रहो जाके अभी अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाए, ठीक है। हफ्ते में 2 क्लास देखते रहो, अभी जो लोग चालू नहीं किया वो लोग 2-2 क्लास देखो हफ्ते में, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा 8 वीक्स में हो जाएगा बाई सेप्टेम्बर एंड। योर ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल सब्जेक्ट शुड बी सेप्टेम्बर एंड तक पूरा खत्म, जाके अक्टूबर एंड नवम्बर रिविजन होते रहे, क्योंकि नवम्बर का एंड तक एग्जाम होगा या पहले ही एग्जाम होगा पता नहीं, तो भगवान मालिक है, मतलब फेट इज वेटिंग अस। एनीवे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, कीप ऑन स्टडिंग, स्टे इन टच विथ मी, ठीक है। आई विल इन्फॉर्म फर्दर ऑन टेलीग्राम। बाय बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।